और नोएडा में इन दिनों शिल्पहाट में वेस्ट से बेस्ट यानी कबाड़ से बनी चीजों की एक अनोखी प्रदर्शनी लगी है। ये प्रदर्शनी नोएडा अथॉरिटी और एचसीएल फाउंडेशन ने मिलकर लगाई है और इस प्रदर्शनी में आपको वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके बनाए गए एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये रंग बिरंगी चीजें, कुछ काम की कुछ सजावट की, ये सब कबाड़ का कमाल है। हैरान हो गए ना आप? कारीगरी ही ऐसी है कि कोई भी भौचक्का रह जाए। भला मिट्टी से कहीं फ्रिज बनता है? और ये कॉफी टेबल, बेंच सब प्लास्टिक के उन रैपर्स से बना है जिन्हें हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। अभी रुकिए, यहाँ ऐसी कई चीजें हैं जो आपको लुभाएंगी और जब आपको पता चलेगा कि ये सब उन वेस्ट मटेरियल्स से बने हैं जिन्हें आप कबाड़ समझकर फेंक देते हैं तो आप और भी हैरान होंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं नोएडा के शिल्पहाट में, जहां विश्व स्वच्छता दिवस के मौके पर कबाड़ से बनाई गई कमाल की चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई। हम वेस्ट मैनेजमेंट एग्जीबिशन में घूम रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी अनोखी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। वैसे तो आपने वेस्ट कपड़ों से बहुत कुछ बनते हुए देखा होगा, लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो फाइल कवर है ये किस चीज से बनाया गया होगा, खासकर जिसका ये ब्लैक वाला पार्ट है ये किस चीज का है, तो शायद आप बोले कि धागे से तैयार किया गया है या किसी कपड़े से तैयार किया गया, लेकिन नहीं, ये जो इसका ब्लैक वाला पार्ट है ये आपकी पुरानी कैसेट्स की जो रील होती थी उस रील से इसको तैयार किया गया है। ऐसा ही बहुत कुछ अनोखा इस स्टॉल पर बनाया गया है। इस स्टॉल पर बहुत कुछ है आपके देखने समझने लायक। स्टील की स्ट्रॉ, लकड़ी का टूथब्रश, पेपर कलर पेंसिल और सूखे पेड़ से बनी तमाम चीजें, सारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं। और ये देखिए सबसे कमाल की चीज, शुद्ध मिट्टी से बना फ्रिज। गर्मियों में पानी ठंडा रखने के लिए मिट्टी की सुराही का इस्तेमाल तो खूब सुना होगा आपने, लेकिन मिट्टी का फ्रिज शायद ही सुना हो आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम करता भी है या नहीं, तो बनाने वाले से ही सुन लीजिए इस खास फ्रिज की खासियत। ये पानी से चलता है, बिना बिजली के चलता है। ऊपर से हम पानी डालते हैं इसमें, 10 लीटर का पानी का स्टोरेज है जो आप बाद में इसको पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि आपको अगर ये बात समझ में नहीं आती है कि आपको अपने घर का वेस्ट डालना कहाँ है, तो आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आपको तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इनके सेंटर्स को भी विजिट कर सकते हैं। कैनन मनीष झा के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कबाड़ से कमाल की एक और तस्वीर। गाजियाबाद में भी देखिए दो कलाकारों ने प्लास्टिक वेस्ट से बेस्ट की तैयार किया है और अपनी इस कला से वो अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। ये कुर्सी, ये टेबल और इस्तेमाल की सभी चीजें देखकर हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये सब चीजें लकड़ी से नहीं बल्कि प्लास्टिक के कचरे से बनी है। गाजियाबाद के दो आर्टिस्ट ने मिलकर स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए ये सभी सामान प्लास्टिक वेस्ट से तैयार किया है। प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा ना हो इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दोनों ने इसकी शुरुआत की थी, मगर आज ये जागरूक करने के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजें भी बना रहे हैं, जिसके लिए गाजियाबाद शहर से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने में इन्हें लोग मदद भी करते हैं। अवेयरनेस तो हो गई, अब ऐसा भी करना चाहिए कि कहीं काम भी आए, वो यूज में भी आए। तो फिर हमने बेंचेस, ट्री गार्ड, चेयर, टेबल, बच्चों की सिटिंग, स्कूल बेंचेस, डस्टबिन, ये सब हमने बनाना शुरू किया। हम कलेक्ट जो करते हैं प्लास्टिक, ये हम ड्राइव चलाते हैं, हिंडन नदी हमारे गाजियाबाद में, वहाँ से हम ड्राइव चलाते हैं। कॉलेजेस के बच्चे जो आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो सब आते हैं हमारे साथ और हम लोग 20 से 25 लोगों का ग्रुप बना के सोसाइटीज में, हिंडन नदी पे, गाजियाबाद की स्ट्रीट्स पे हम जाके ड्राइव चला के वहाँ से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं खुश हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि अलग अलग आकृतियों के साथ बनने वाली कुर्सी टेबल से बच्चे जानवरों के नाम सीखते हैं और बच्चों को भी ये सामान खूब लुभा रहा है।
ये तो बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, बच्चे भी खुश होते हैं देख देख के, नए नए डिजाइन है ना इसमें, बत्तख है, डायनासोर है, तो बच्चे खुश होते हैं और बैठते हैं इन पे। प्लास्टिक का था, ज्यादा टिकाऊ नहीं था, इतना मजबूत नहीं था, बच्चे जल्दी तोड़ देते थे उन्हें, फिर फर्श पे बैठना पड़ता था। अब जब से ये वेस्ट मटेरियल के चेयर और टेबल आए, तब से बच्चे जो इन पर बैठ रहे हैं, बैठ कर पढ़ रहे हैं, और हमें भी आसानी होती है, हम बच्चों के साथ इन पैर बने हुए हैं, देखो कितने सुंदर कुर्सियां बच्चों के साथ बैठ कर शेयर करते हैं टेबल पर। प्लास्टिक वेस्ट से बना ये सामान न सिर्फ सस्ता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित करता है, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।